नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मट्ठे के क्या गुण होते हैं। मट्ठे के मुख्यतः चार प्रकार के गुण होते हैं। ये लघु होता है, लघु गुण के कारण पचने में सहायक होता है, पचने में हल्का होता है, अजीर्ण अवस्था में या अपाक की अवस्था में बहुत ज्यादा लाभप्रद रहता है। रुक्षता के गुण के कारण अति स्थूलता, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, बहुत ज्यादा मोटापा होना, डायबिटीज या मधुमेह होना, या ऐसे रोग जहां पर रुक्ष हमारे शरीर में स्निग्धता बढ़ी हुई होती हो, ऐसे रोगों में मट्ठा रुक्ष गुण के कारण बहुत ज्यादा लाभप्रद रहता है। उष्ण वीर्य होने के कारण यह हमारी एपेटाइट को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, हमारी मंदाग्नि को कम करता है और हमारी अग्नि को एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है उसको बूस्टअप करता है, जिसके कारण अजीर्ण की अवस्था में, अपाक की अवस्था में, जब हमको खाना नहीं पचता, खाने के बाद एकदम पेट भारी भारी रहता है, तो ऐसी अवस्था में उष्ण वीर्य के कारण और वात और कफ दोष जहां जिन व्याधियों में बढ़ते हैं, जैसे सूखी बवासीर हुआ, संग्रहणी हुआ, तो ऐसे रोगों में भी उष्ण वीर्य गुण के कारण मट्ठे से लाभ लिया जा सकता है। और सबसे बड़ा गुण होता है मट्ठे का ग्राही, जहां ग्राही कहते हैं रिटेंशन पावर, तो इसमें रिटेंशन पावर होती है। जब उनको लूज मोशन होने लगे, डायरिया होने लगे, तो आप मट्ठे का सेवन करिए, निश्चित रूप से लाभ होता है। जब डायरिया में ब्लड आने लगे, जिसे हम रक्त अतिसार कहते हैं, तो उसमें भी मट्ठे का सेवन करने से लाभ होता है। संग्रहणी एक बहुत बड़ा रोग है, संग्रहणी में कोलाइटिस, जिसमें बार बार आदमी टॉयलेट जाता है, तो ऐसी अवस्था में मट्ठा उनके लिए एक रामबाण इलाज है। तो मित्रों, मट्ठे का जरूर सेवन कीजिए, मट्ठा हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। धन्यवाद।